नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यश पब्लिकेशन के स्टॉल पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज चतुर्वेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेशे से पत्रकार और जिनके 3000 से ज़्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं, ऐसी शख्सियत हमारे सामने आज यश पब्लिकेशन के स्टॉल पर मौजूद है। इनकी किताब जो कि दफ्न होते दरिया मेरे हाथ पे आई है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि दफ्न होते दरिया, सर, ये शीर्षक आपने इस किताब को कैसे दिया और क्या इसकी महत्वता है? दरिया अकेले नदी या समुद्र नहीं है। दरिया वो तालाब भी है जिसके चारों तरफ समाज बसा है। हमारी पूरी समाज में जो बसावट है किसी न किसी जल निधि के आसपास है। और चूँकि नदियों का अपना राह था, समुद्र की अपनी राह थी, लेकिन जो तालाब थे, ऐसा कहा जा सकता है देश के हर गांव में, हर कस्बे में तालाब थे, या ये कहा जाए हर तालाब के आसपास ही गांव या कस्बा बना। जब से नलों में पानी आने लगा तो लोगों ने सोचा कि पानी की ज़रूरत तो नल पूरी कर देते, तो हमें तालाब की ज़रूरत क्या है। तो कुछ जगह तालाब को समाज ने भर दिया, तो कुछ जगह तालाब को सरकार ने भी भर। लेकिन फिर जब जनता प्यासी होने लगी, जब जमीन की पाताल का पानी खत्म होने लगा, तो हमको याद आया अरे तालाबों को दफन कर दिया तो हमारे भी बन गए। ठीक है, असल चीज़ क्या है कि जो कूड़ा है आज यदि देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है कहीं जाए, तो आप ये मत मानो कि किसी पड़ोसी देश के परमाणु बम से आपको सबसे बड़ा खतरा आपको अपने घर में उपज रहे बम से है, जो कूड़ा बम है। दिल्ली से लेकर महानगर की बात छोड़िए, आप दूर चले जाइए, हर कस्बे और हर गांव की समस्या ये है कि मैं अपने कूड़े को का निस्तारण कैसे करूँ। अब दुर्भाग्य यह है कि समाज और सरकार दोनों इस बात को चिंतित हैं कि हम कूड़े का निस्तारण कैसे करें, जबकि असल चिंता ये होना चाहिए कि हम कूड़े को कम करें। कूड़ा तो हमने बढ़ाया। मेरे एक पीढ़ी पहले एक रेजर हुआ करता था, उसमें ब्लेड लगती थी और वो ब्लेड से 10 दिन राड़ी बनती थी और वो ब्लेड फिट जाता था, चूँकि उसको मेटल है तो रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन अब हमने रेजर ऐसे ले आए जिसके अंदर प्लास्टिक का हत्ता है, एक बार इस्तेमाल करेंगे फेंक देंगे। पेन के साथ ये हुआ, कन्नूर में, केरला में पिछले साल उन्होंने एक अभियान चलाया और बोला हम बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। करीबन 16 करोड़ बॉल पेन पूरे जिले से इकट्ठे किए गए और उन्होंने बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हर घर में एक पेन है जो एक साल चला। तो कूड़ा कम करने का प्रयोग ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कूड़ा निस्तारण के बारे में। जी तो सर, इस किताब में हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि किताब है दफ्न होते दरिया, इस किताब के बारे में कुछ बताइए, किताब में क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में लिखा गया है? असल में इस किताब की शुरुआत हुई लगभग सन 88-89 के आसपास, जब मैं दिल्ली आया तो गांधी जी के प्रतिष्ठान में अनुपम मिश्रा जी उस समय आज भी घरे तालाब पे काम कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम तो बुंदेलखंड के हो और तुम तो वहाँ के डके हैं, तुम मंदिर लिखते रहते हो, ज़रा इस विषय में सोच के देखो और कुछ जानकारी मुझे दे। तो मैंने उस समय उनको सागर और तालाबों की जानकारी भेजी। जब आज भी घरे किताब आई तो उसके अंदर उन्होंने संदर्भ में मेरा दो जगह उल्लेख किया और इस बीच में मैंने अखबारों में बुंदेलखंड के तालाबों में बहुत सारा लिखा, वो मुझको एक दिन से लिखा। Thank you.
हिस्ट्री, जैसे ही हम लोग 2005 को क्रॉस किए तो पूरे देश में जल संकट एक बड़े रूप में, बुंदेलखंड में जल संकट के कारण पलायन, श्रीनगर के आसपास डल लेक होते हुए भी पीने का पानी नहीं, बंगलोर से इनका शहर जो सबसे खूबसूरत शहर कहलाता था जहाँ पर कहते थे हर सड़क के बाद तालाब है, या हैदराबाद जिसकी पहचान ही हिंदुस्तान नागर की है, वहाँ सब एक जल संकट खड़ा हुआ, अकेले जल संकट खड़ा नहीं हुआ, जब पानी बरसा तो शहर में बाढ़ आ गई, और जैसे ही पानी ख़त्म हुआ तो वो बाढ़ की जगह सूखा। जब मैंने उसके कारण देखने शुरू हुए तो असल था कि वहाँ पर जो पारंपरिक तालाब थे हमने उसको ढक दिया। अब जीवन में एक बात तय है कि पानी और आग उसका जो रास्ता रोकता है वो नष्ट हो। अब मैंने तो तालाब की जगह कॉलोनी बना दी थी, अब जब बरसात हुई तो पानी तो तालाब में भरना था, नहीं भरा तो कॉलोनी में भर गया, हमने बोला पानी हमारे घर आ गया, लेकिन असल में हम पानी के घर में घुस गए थे। तो जब इन समस्याओं को मैंने देखा तो करीब 3.5 साल मैं बहुत सारी जगह गया, जैसे मणिपुर में उसमें लोकटक झील के बारे में बात की। लोकटक झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसके ऊपर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, गांव उनका जीवन उनके लोगों का उसी पानी पे था, उनका भोजन भी जल भी दबा भी, हमने उसको दूषित करना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों को, सब मसलों को गाजियाबाद में, दिल्ली में, बुंदेलखंड में, हैदराबाद में, इन सब जगह जो समस्याएँ खड़ी हो रही थी, मैंने इस किताब में उन इलाकों को ज़्यादा चुना जिन इलाकों के बारे में अनुपम बाबू ने अपनी किताब में चलता है। वो अधिकांश से हैं जो गैर इस तो उन जगह तालाबों की हालत क्या है। बंगलोर में मैंने देखा, बंगलोर में मैंने 160 ऐसे तालाब तलाशे जहाँ पर आज मॉल, सड़क या कॉलोनी बनी हुई है, वो सरकार ने इसकी पूरी लिस्ट इस किताब में। आपको बताया ना भैया सर, इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूँगा, इस किताब के साथ साथ सर आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपके लेखन के विषय क्या क्या है? राजू, मेरे लिए जो लेखन है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं कब से लिखा जी, ठीक है, कभी पत्र संपादक नाम लिखा देते थे, फिर क्या होता है जो काले बर्फ होते हैं ना ठंडे, ये बड़े सम्मोहक होते हैं और इसका एक नशा होता है, जिस दिन एक बार एक ये नशा चढ़ जाता है तो वो उतरता नहीं है। आप कोई काम करो, कोई नौकरी करो, कहीं जीवन उपार्जन करो, लेकिन काले हरफ का नशा आपके सिर पे चढ़ते हैं। जाहिर है कि मैं 88 से पहले दूसरे मसलों को लिखता था, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि जब अनुपम बाबू के संपर्क में आया अनुपम मिश्रा जी के, तो उन्होंने मेरे लेखन की दिशा बदल दी। मेरा आज भी लिखने की जो प्राथमिकता है वो पानी रहता है, वो तालाब है, लेकिन उसके साथ में क्योंकि पर्यावरण एक एकीकृत शब्द है, पर्यावरण को हम अलग अलग मसलों में बांट नहीं सकते। आप इसको समग्र रूप में देखेंगे तब इसका निराकरण के बारे में सीखेंगे। तो तालाब पानी राम सर, और उसके बाद में जो पर्यावरण से जुड़े अलहरा मसला, खासतौर में जमीन धरती, इसको मेरा काम करने का शौक है, और उसके बाद में मैं कुछ समाज को समझने की मेरी इच्छा रहती है तो उसके लिए कोशिश करती हूँ। नहीं सर, जैसे आपके बच्चों पे कुछ किताबें आई, आप यात्रा वृत्तांत पे कुछ इस तरीके की पुस्तकें भी देखें, अनुवाद पे कुछ पुस्तकें देखें, तो सर आपका जो है कैनवास बहुत बड़ा है और मतलब सब एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सर आप पर्यावरण पे आपके फोकस बहुत सारे आर्टिकल्स होने पड़े, लेकिन आपने उस कैनवास पे अपने आप को जो है सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने कैनवास को बहुत बड़ा बनाया। इतना समय, इतना शोध, ये सब करने का सर मतलब जो लिखना चाहते हैं उन लोगों को भी सर आपसे प्रेरणा मिलेगी कि कैनवास कैसे को बढ़ा रखा। असल में बच्चों के लिए लिखना यानी मेरी मूल आत्मा है, कि कोई बोले आपका मन कहाँ लगता है तो बच्चों के लिए लिखना,
बहुत छोटे बच्चे, लेकिन वो छोटे बच्चों की इतना इतना जटिल है कि साल में बहुत कम लिखा। दूसरा चीज़ है कि चूंकि मैं नेशनल बुक प्रेस में संपादक, नेशनल बुक प्रेस के बदौलत मैं बहुत घूमा, जिन्हें जो हमारी पिछले परिक्रमा है उसमें गाड़ी में बैठ के गाँव गाँव में गया, गाँव गाँव में रात बिताई पूरे देश में, यानी कालाहांडी से लेके और मालबारी तक, जहाँ कहीं कोई नहीं आता था मैं चला जाता। अब जब हम जहाँ पर जाते हैं तो प्रायः लोग क्या होता है कि वहाँ के दर्शनीय स्थलों को देखते हैं, जो वेल नोन प्लेसेस होती हैं, जो कैटराइज है, मैं उन किसी जगह को नहीं जाता। मैं चाहे चाइना जाऊँ, चाहे इजिप्ट जाऊँ, चाहे बस्तर जाऊँ, मेरी कोशिश रहती है वहाँ के स्कूल देखूँ, वहाँ के बच्चे देखूँ, वहाँ का समाज है ना, पारंपरिक समाज किन घरों में रहता है उसको देखूँ, उसके भोजन को देखूँ, वहाँ के नदी और पानी को देखूँ। तो जब हम बाहर बहुत सारा देखते हैं तो वही सामग्री अपने लिखने में विविधता लेके आ जाती है। तो तीसरी चीज़ रहती है कि मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, जब मेरे मन में उस इलाके के बारे में कोई संचय होता, बस्तर के बारे में मेरे को संचय है, तो मुझे मालूम है राजीव सरिता मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया है, मैं उससे संचय को चूज कर सकता हूँ। तो ऐसे सब जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं मिलता रहता हूँ, उनको पास करता हूँ। सर आगे की क्या योजना है सर, लेखन में और कुछ तरीके की? अभी मैं दो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो पिछले एक साल से कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद अभी दो साल उसमें और लगेगा। एक किताब में कर रहा हूँ जो मैंने मेरा मूल काम है, आज से कुछ करीबन 12 साल पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में स्कूल लेवल पर लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट को मैंने मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग की। तो जैसा हम लोग अपने यहाँ देखते हैं कि सरकार ने गांव स्तर पर किताबें डाल दी, लेकिन मास्टर से बोलो तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ाते, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास स्थान नहीं है, तीन चीज़ें। तो मैंने एक ऐसा तरीका डेवलप किया जिसको कहते हैं कि लो कॉस्ट एक्टिविटीज, जिसके अंदर यदि आपके पास में संकल्प है तो ये तीन सर गौण हो जाएंगे। तो लाइब्रेरी को एक एक्टिव सेंटर बनाने के लिए हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें जिसमें ना तो आपका पैसा खर्च हो, ना स्थान खर्च हो, ना समय खर्च हो, और लाइब्रेरी से समाज और बच्चे खुद देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उस पर किताब लेना काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो 6 महीने में हो जाए। और दूसरी किताब मैं कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू पे जितने अभी तक मुकदमे हुए, वो किन कारणों से मुकदमे थे, उन मुकदमों का फैसला क्या हुआ, मुकदमे कैसे चले, उसके ऊपर। और तीसरा काम जो अभी एक 3 साल से मेरा चल रहा है वो ये है, भगत सिंह पे उनके कंटेम्प्रेरीज ने क्या लिखा या क्या, चाहे उनके कॉलेज के प्रिंसिपल, चाहे उस समय के अखबार हों, चाहे उनके साथी हों, या अभी तक जीने वाले के साथ शिव वर्मा हों, उन लोगों ने भगत सिंह के बारे में क्या कहा। वो एक 3-4 चीज़ें बहुत पैरेलल चल रही हैं। तो देखिए बाकी एक किताब यश पब्लिकेशन से धरती को बचाओ बहुत अंतिम चरण में है, उसमें हमने जलवायु परिवर्तन और खेती जैसे मसलों को जोर दिया है कि इसके प्रति भी लोग जागरूक हों, क्योंकि ये दोनों मसले जो हैं हमारे भोजन की पौष्टिकता, बच्चों के विकास, और यहाँ तक कि हमारी बौद्धिकता को प्रभावित करना। सर मतलब थोड़ा सा आपके लेखन से अलग, इस समय सर क्योंकि आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से भी जुड़े हुए हैं, पुस्तकों के प्रति लोगों की दीवानगी कम हुई है, बढ़ी हुई है, नई जो तकनीकें आ रही हैं किताब के पठन को लेकर के, क्या उससे पुस्तकों का भविष्य अभी भी दिखाई देता है या कमजोर हो रहा है? देखो भारत में आने वाले 50 साल में मुद्रित किताबों के कोई खतरा नहीं है, और इसकी वानगी है शनिवार को विश्व पुस्तक मेले में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, सबसे बड़ी चीज़ 1.5 लाख लोगों ने, अधिकांश लोग हिंदी के हॉल में, और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि उन अधिकांश लोगों ने 18 से 30 साल की जो यंग जनरेशन है वो इन हॉल में भी अधिकार कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है भारत के लिए, भारत इस समय जिस दौर में है वहाँ पर 3 पीढ़ी अक्सर, एक पीढ़ी वो है जिसका पहला जनरेशन साक्षर हो रहा है,
एक पीढ़ी वो है जिसकी दूसरी जनरेशन साक्षर हो गई और एक पीढ़ी वो है जो साक्षर हो गए, समृद्ध हो गए और गैजेट्स के इस्तेमाल के साथ में प्रगतिशीलता के अगले पायदान तक पहुँच गए। उनके लिए किंडल, मोबाइल, ई बुक्स हैं। जो मध्य में लोग हैं उनके लिए वो दोनों हैं और जो फर्स्ट जनरेशन है वो आज भी किताबों पर है। फर्स्ट जनरेशन जो 6 साल से 8 साल की उम्र की है वो 25 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र में किताबें पढ़ें, तो तब तक आप मान के चलिए। हाँ ये है कि अब पाठक का टेस्ट बदल गया, वो किताब सूचना के लिए पढ़ना चाहता है, वो किताब जागरूकता के लिए पढ़ना चाहता है और वो किताब को आपके लिए वैज्ञानिकता तक तार्किकता के साथ पढ़ना चाहता है, तो उनका नज़रिया पढ़ने के बारे में, किताब के बारे में थोड़ा बदल रहा है, तो लेखक को भी उसके अकॉर्डिंगली बदलना होगा। धन्यवाद।